का बयान पर केस है सर, मात्र हम लोग की तरफ से एक ही केस हुआ है पता नहीं सर क्या क्या हॉस्पिटल में न किया। ग्रामीण स्कूल के सर को भी बोले थे, ग्रामीण स्कूल सर को भी सर यहाँ मुझे लग रहा है कुछ हो रहा है, उन लोगों के फैमिली में भी मतलब डॉक्टर वगैरह लोग हैं तो जान मतलब पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, अचानक सब कुछ ठीक था, नॉर्मल था, डॉक्टर से बात करते सर अगर मेरी बात अगर छूट लगी अब बात कीजिएगा कि सब कुछ नॉर्मल। आपका क्या नाम हुआ? आदित्य राज। आदित्य राज इधर का सीसी के नाम पर है सर, मेरा ही नाम से सर आदित्य। मेरा चचेरा भाई गौतम, एक भतीजा रोशन कुमार, ये जो मरा है वो चचेरा भाई है। चचेरा भाई आज रात में मरा? ना ना वो तो चचा लगे जो पहले मरा, हाँ, जो पहले गौतम रोशन कुमार। और आपके यहाँ के जो मंत्री हैं कुछ नहीं करते सर, कुछ नहीं न्यूटन क्योंकि सर ये इसमें कार्तिकेय कुमार ये जितना जो है लोग बड़े 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 नेता की लोग इनको मदद कर रहे हैं, उन्हीं का बात में रहा है, कार्तिकेय कुमार का बात में रहा है बच्चा रहा है तो हम लोग की कहाँ कार्तिकेय कुमार के हाँ जो जेल में उनके बाद में रहा है आनंद सिंह के साथ ही रहा है सर बच्चा रहा है जो अंजू देव का पति हुआ ना सर चाहे उसमें भाई हुए वो उन्हीं का वार्ड में है, वो सिलेंडर कर दिए थे गुजरात के, भी डर लग रहा है सर हम लोग को मदद करेगी जी सर, हम ये और लीगल एक्ट का एक असर है वो क्या हम लोग यार मदद कर रहे हैं, पार्टी मदद करेगी जी सर। और बता देते हैं बीजेपी के हमारा अधिवक्ता मंच के अध्यक्ष है हम उनका नाम नंबर देते हैं, आप एक बार नंबर दे लगा दीजिए उनको ठाकुर जी का, और इनका ऐसा करिए इनका सब विषय को नोट कर लीजिए, हम दरखास्त लिखवा दिए हाँ, और नोट कर लीजिए, नोट कर करके इस पर एक पत्र बना करके भेजिए डीजीपी को, आज डीजीपी कल डाल देगा, पत्र बना करके भेजिए डीजीपी को, इसकी न्यायिक जांच करवाइए, सीबीआई या उच्च स्तरीय जांच कराइए, स्थानीय पुलिस की इन्वॉल्वमेंट इसमें है, स्थानीय पुलिस की इन्वॉल्वमेंट है इसलिए स्थानीय पुलिस इसकी जांच नहीं कर सकती है, निरपेक्षता के साथ जिला स्तर पर इसको बनाइए, इसको ना परसों हम सदन के अंदर उठवाते हैं। बीते दिनों पटना के फतुहा के जेठली गांव में पार्किंग विवाद में 6 लोगों को गोली मारी गई थी जिसमें से अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है और 2 अभी भी घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। आपको बताते चले कि उमेश राय पर आरोप लग रहा है कि उसने 6 लोगों को पार्किंग विवाद में गोली मारी। यहाँ यह बताना जरूरी है कि यादव समाज के बीच ही आपस में वर्चस्व को लेकर यह लड़ाई हुई थी जिसमें आरोपी के घर को जला दिया गया था, करोड़ों की संपत्ति फूंक दी गई थी और उस घटना में 6 लोगों को गोली मारी गई थी जिसमें से 4 लोग की मौत हो चुकी है। और इसके बाद विधानसभा प्रतिपक्ष के नेता जो हैं विजय कुमार सिन्हा वे पीड़ित यादव परिवार से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने न्याय का भरोसा दिलाया था। आपको बताते चले कि बिहार में महागठबंधन की सरकार है और तेजस्वी यादव यादवों के नेता होने का दम भरते हैं लेकिन पीड़ित यादव परिवार तेजस्वी यादव के पास फरियाद के लिए ना जाकर विजय कुमार सिन्हा के पास पहुंचा। कहीं ना कहीं इससे ये प्रतीत हो रहा है कि पीड़ित यादव परिवार को तेजस्वी यादव से किसी प्रकार की कोई उम्मीद नहीं है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने पीड़ित यादव परिवार को न्याय का भरोसा दिलाया है। वे बीते दिनों ग्राम जेठली भी पहुंचे थे और वहां पर पीड़ित परिवार से उन्होंने मुलाकात की थी, न्याय का भरोसा दिलाया था और इसी को लेकर आपने जो पहले जो वीडियो देखा उसमें साफ साफ आपने देखा कि पीड़ित यादव परिवार जो है वो पटना विजय सिन्हा से मिलने पहुँचा और अब तक जो न्याय नहीं मिल पाया है उसके लिए आवाज़ उठाने की साथ देने की अपील की, जिस पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने साफ साफ कहा है कि वह प्रीत यादव परिवार के साथ खड़े हैं, उनका पार्टी जो है वो प्रीत परिवार के साथ खड़ा है। आप वो तस्वीरें जरा देखिए जब पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष मिलने गए थे। हम जरूर हैं तो उसका फादर है सर। 50 की संख्या में
एकदम न्याय के लिए सारा गांव के लोग एकजुट होकर के न्याय के लिए लड़ी है। हम लोग पूरी पार्टी नेता प्रतिपक्ष के नाते आपके साथ खड़े हैं। किया है इसकी ये सरकार नहीं रहेगी, बहुत दिन सरकार बदलेगी, सबका फाइल खोलवा देंगे। मैं भ्रष्ट पदाधिकारी का जांच कराऊंगा। वीडियो को शेयर कर हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। जय हिंद, जय भारत।